देखिए दोस्तों, ये है नेरा देवधर डैम व्यू पॉइंट। आगे देखिए क्या शानदार सीन है। देखिए दोस्तों, हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सोलो ट्रिप जा रहा हूँ नीरा देवगढ़ डैम। ये भोर में आता है, आपने वारंट घाट का नाम सुना होगा, तो ये वारंट घाट में ही आता है एक्चुअली। तो पूरा वारंट घाट आज कवर करने का प्लान नहीं है, तो एक देवघर ब्रिज आता है तो वहाँ तक का मेरा आज प्लान है, बिकॉज मौसम भी ठीक नहीं है। कल पुणे में बहुत बारिश हुई तो अच्छी बात है एक्चुअली, ठंडा हो गया मौसम। बट अभी ऐसा है कि सुबह में भी बारिश जैसा बना हुआ है, तो नॉट श्योर कि आगे कैसा क्या होता है। तो अभी मैं सासवड की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। सासवड से होते हुए मैंने सासवड का रूट क्यों चुना, क्योंकि हाईवे से उतना एडवेंचरस नहीं है। सासवड से कपूरहोल का जो रूट है दैट्स वेरी सीनिक, आपको मैं दिखाऊंगा आगे। पहले मैं शायद कवर कर चुका हूँ किसी अदर ब्लॉग में, बट वांटेड टू कवर दिस रूट, तो इसलिए मैं आज इधर आया हूँ। अभी मैं फुरसुंगी से सासवड की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। सासवड से कपूरहोल जाऊँगा, कपूरहोल पे बैंगलोर हाईवे पे थोड़ा ड्राइव करूँगा, देन भोर के सिग्नल से राइट मारूँगा टुवार्ड्स भोर। तो दैट्स द प्लान, तो बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। दोस्तों हम सासवड पहुँच चुके हैं। सासवड बेसिकली यहाँ पे एक मंदिर है, और यहाँ पे क्यों फेमस है सासवड, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा पालकी, दो पालकी निकलती है साल में। सो ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यहाँ पे आती है, यहाँ से होके आ जाती है कहीं, तो एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बोर्ड पे लिखा देखा था संत ज्ञानेश्वर महाराज, ये रोड का नाम ही है संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी महामार्ग काइंड ऑफ। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सासवड से कपूरहोल एक चौक या सिग्नल बोल लीजिए, वो आता है बैंगलोर हाईवे पे। तो सासवड से अगर आपको सासवड, या फिर आप अगर हड़पसर में रहते हैं, या फिर मगरपट्टा, या फिर खड़ागी में रहते हैं, एंड यू हैव टू गो टुवार्ड्स बैंगलोर, मे बी महाबलेश्वर, और जस्ट यू हैव टू रीच बैंगलोर हाईवे, तो आपके लिए फुरसुंगी होते हुए, सासवड से होते हुए कपूरहोल शुड बी द बेस्ट वे। बाकी जो दूसरे रूट हैं वो उसमें सिटी से होके जाता है, उसमें बहुत ट्रैफिक होता है। तो अभी आप आगे देखेंगे कपूरहोल से पहले का जो रास्ता है वो थोड़ा सा हिल एरिया पड़ता है, और कितना सीनिक होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। इफ यू लाइक माय वीकली ब्लॉग्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ESPN_Vlogs007। तो दोस्तों पुरंदर फोर्ट भी यहीं पे आता है, आगे पुरंदर फोर्ट के लिए एक लेफ्ट आएगा। तो आज तो पुरंदर फोर्ट नहीं जा रहा हूँ, बट फोर्थ कमिंग वीक में जाऊँगा वहाँ पे। पुरंदर फोर्ट के बारे में बताऊँ तो वो मिलिट्री का सेंटर है वहाँ पे, तो मिलिट्री के ही प्रोटेक्शन में है पुरंदर फोर्ट। तो लोगों ने रिव्यू दिया था वहाँ पे कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, बट मैं 4 ईयर्स बैक गया था तो वहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था,
हाँ ये श्योर है कि वहाँ पे जाने के लिए एंट्री के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ्ड आईडी कार्ड लगता है, जैसे आधार कार्ड हुआ, काइंड ऑफ फोटो आईडी कार्ड लगता है एंट्री के लिए। तो देखिए दोस्तों, यही वो रूट है जिसके बारे में बोल रहा था मैं। कपूरहोल से पहले ये एक छोटा सा पैच पड़ता है जो घाट सेक्शन है और फॉरेस्ट के अंदर से होता हुआ जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है यहाँ का शुद्ध हिंदी में। तो दोस्तों देखिए, हम लोग कपूरहोल पहुंच चुके हैं और सामने जो आपको रोड दिख रहा है, दैट इज़ ए बैंगलोर हाईवे। राइट साइड में पुणे एंड लेफ्ट साइड में बैंगलोर। तो हम लोग अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट। हम लोग बोलने की आदत हो गई है, मैं अकेला ही हूँ, मैं लूँगा लेफ्ट। तो दोस्तों ऐसा है कि जस्ट आपके लिए अपडेट है कि आपको अगर भोर जाना है तो कपूरहोल से इमीडिएट राइट मार के भी आप जा सकते हैं। कपूरहोल पे बेंगलोर हाईवे पे आके थोड़ा सा राइट, बट वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो रोड अभी अवॉइड कीजिए, तो नेकलेस पॉइंट आप नहीं देख पाएंगे। और भोर जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ता है, बट ये भी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए आप, ब्रिज यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर राइट मारना अलाउड नहीं है, तो आगे से मुझे यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो यही बताना था आपको कि इनके सब भोर के साइड जाने का प्लान करते हैं। तो भोर का जो ओरिजिनल सिग्नल है जहाँ से राइट मारते हैं, दैट इज़ ब्लॉक्ड एज ऑफ नाउ। सो दोस्तों, कल जो बारिश हुई है उस वजह से मौसम इतना खुशनुमा बना हुआ है, इतना हसीन मौसम बना हुआ है कि ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, एकदम परफेक्ट वेदर है फॉर बाइक राइडिंग। दोस्तों आप भोर से होते हुए मांडर देवी घाट भी जा सकते हैं। मैं मांडर देवी घाट पूरा गया था, वहाँ से होते हुए वाई गया था। तो आपने अगर मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मांडर देवी टू वाई वाज वेरी सीनिक, वेरी वेरी सीनिक। वारंद घाट का मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं, एक बार तो गया हूँ मैं, बट आप अगर मांडर देवी से वाई जाते हैं देन इट विल बी हेवनली। सो दोस्तों, मांडर देवी घाट जाने के लिए आपको ये जो आगे सर्किल आ रहा है शिवाजी महाराज का, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना पड़ता है, बट मैं आज जा रहा हूँ भोर तो मैं लूँगा यहाँ से स्ट्रेट सीधा। ये देखिए, आप अगर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ये मांडर देवी घाट की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, नीरा देवधर जो घाट व्यू पॉइंट है वो अभी आने वाला है 4 मिनट में, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो व्यू पॉइंट कैसा दिखता है। वो व्यू पॉइंट के बाद फिर हम नीरा देवघर ब्रिज भी जाएंगे,
देखिए दोस्तों, यह है नेरा देवधर डैम व्यू पॉइंट। कितना शानदार है देखिए आप। तो दोस्तों अभी नेरा देवघर डैम ये इसके साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अगला डेस्टिनेशन है नेरा देवघर ब्रिज। तो एक ब्रिज है जो व्यू पॉइंट भी है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी और इसी रास्ते से वापस भी आऊँगा। देखिए दोस्तों, एकदम सीनिक रूट है और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आ जा रहे हैं इस पे, और मौसम इतना हसीन बना हुआ है। ऐसे हसीन मौसम में ऐसे अच्छे रोड पे बाइक चलाने का जो मज़ा है, ये कोई राइडर ही समझ सकता है। तो दोस्तों अभी नेरा देवघर ब्रिज की ओर ड्राइव कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद डिपेंड करता है कि कितना क्या टाइम है, मौसम कैसा है, तो पूरा वरंद घाट कवर करना है या फिर वापस हो जाना है। दोस्तों अभी हम लोग मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नेरा देवघर ब्रिज, इसको बोलते हैं, दिस इज़ द व्यू पॉइंट। यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा शूट करूँगा और आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। देखिए दोस्तों, ये है नेरा देवघर ब्रिज, इसका लोकेशन मैं डाल दूंगा। एनीवे गूगल मैप में डायरेक्टली रोड पे दिखता है। तो ये एक ब्रिज है और बारिश में सो इमेजिन कीजिए, जो भी पानी भरा होगा तो इधर से पूरा पानी नीचे से जा रहा होगा, कितना सुंदर दिखेगा उस समय। अभी तो पानी नहीं है। ये अपोजिट साइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना शानदार रोड, एकदम चकाचक है, एकदम मस्त, मौसम भी मस्त बना हुआ है। कभी बारिश में आइए आप और इन्जॉय कीजिए। सो दोस्तों, ये अभी था नेरा देवघर ब्रिज व्यू पॉइंट। सो अभी आगे मेरे पास टाइम भी है और मौसम भी शानदार बना हुआ है, तो मैं आगे वरंद घाट को कवर कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर कुछ अच्छा व्यू पॉइंट मिला तो रुक के शूट करूँगा, और घाट सेक्शन ख़त्म हुआ तो रिटर्न। सो दैट्स द प्लान। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASTV_vlogs007। मैं ऐसे ही पुणे लोकल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, कभी सोलो कभी संदीप भाई के साथ। तो आप अगर पुणे में हैं या फिर पुणे के आसपास में लोकेलिटी को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हैं, देन मेरे व्लॉग्स आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, ये वरंद घाट पे एक व्यू पॉइंट मिला, कितना मस्त दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं वरंद घाट पे ड्राइव कर रहा हूँ बिना किसी डेस्टिनेशन के।
जस्ट बिकॉज मौसम अच्छा है और रोड भी अच्छा है और घाट सेक्शन हेवनली है, तो जस्ट मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जहाँ पे भी कोई सीन अच्छा लगेगा वहाँ रुक जाऊँगा। समटाइम्स अनप्लान ट्रैवल ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं अभी वरुण घाट में ड्राइव कर रहा हूँ विदाउट एनी डेस्टिनेशन। आगे देखिए क्या शानदार सीन है। देखिए दोस्तों क्या मस्त लोकेशन है, बारिश में यहाँ पे फिर से आऊँगा मैं एक बार, इतना शानदार लोकेशन। दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आज मैंने सासवड होते हुए कपूरहोल आया, कपूरहोल से फिर शिंदेवाड़ी से होते हुए भोर आया और भोर में नीरा देवघर डैम व्यू पॉइंट एंड देन नीरा देवघर ब्रिज एंड उसके बाद अनप्लान्ड चलाता रहा और वरुण घाट कवर किया पूरा। वरुण घाट में आने के बाद मुझे मैंने सोचा तामिनी घाट से जा सकता हूँ, बट तामिनी घाट से जो रूट था वो बहुत ही लंबा दिखा रहा था, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मोर देन रिटर्निंग, सो आई टुक अ यू टर्न एंड गोइंग बैक। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल sbir_vlogs007। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए। Thanks for watching this. Thanks for your time.